मनाचा सुटलाय ताबागू जंगात झैलाय सारायू लत लागली आता फिरमाची नाही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको प्लस के साइन में चले जाना है। उसके बाद आपको जिस भी किसी रेशो में वीडियो बनानी होगी वो रेशो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं 9:16 का रेशो सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर से देखिए आपको कुछ फ़ोटोज़ ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं कुछ फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। इसी तरीके से आपको भी कुछ फ़ोटोज़ ले लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टिक कर देनी है। टिक करने के बाद इस फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सभी फ़ोटोज़ को पहले तो एडजस्ट कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस फ़ोटो पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद इन सभी फ़ोटोज़ की आपकी विग्निटी को ऑन कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। विग्निटी ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको जो दो फोटो के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे चले जाना। वहाँ पे जाने के बाद आपको ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स में यहाँ पर देखिए जो सेकंड नंबर पे बार इरेजर वाली एक इफ़ेक्ट मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे गेटमो में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। तो बाकी जो सारे फ़ोटोज़ है उसमें भी यही वाली इफ़ेक्ट्स को लगा देनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको सभी फ़ोटोज़ में ये वाले इफ़ेक्ट्स को लगा देनी है। ठीक है, तो इसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। अलग अलग ऐसे इंटरफेस आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस फ़ोटो पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिप ग्राफिक में चले जाना है और यहाँ पर से देखिए आपको इन एनिमेशन में से ये वाले इफ़ेक्ट्स लगा देनी है। ठीक है, इसी तरीके से हर जो फ़ोटो है आपके उसमें चले जाना है और यहाँ पर से आपको इन एनिमेशन में चले जाना है और यहाँ पर से ये वाले इफ़ेक्ट्स को लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं ये जो फर्स्ट फ़ोटो है और ये जो लास्ट फ़ोटो है उसको आपको एडजस्ट कर लेना है बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं इसे एक बार प्ले करके दिखाती हूँ। तो इसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर से आपको ये लाइटिंग वाले इफ़ेक्ट्स ले लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं ये लाइटिंग वाले इफ़ेक्ट्स को ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है, इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में चले जाइए, फिर इसे स्क्रीन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लिरिक्स वाले इफ़ेक्ट्स को ले लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में चले जाइए, फिर यहाँ पर इसे स्क्रीन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस लिरिक्स का ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको बॉर्डर वाले इफ़ेक्ट्स को ले लेनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है, फिर इसे भी एक्सटेंड कर देनी है अपने पूरे वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।